नाता, आप तो वहीं पर थे ना, आपने सुनी है आवाज? नहीं भाई। कि मतलब? पर मतलब ये सुनी कि जिस वक्त चाचा जी को लगा कि ऐसी कोई आवाज आ रही है, उस वक्त ऑफिस से मेरा कोई फोन आ गया था, तो मैं फोन पे बात करने में व्यस्त था। ओह, बस तो फिर हो गया। ऑफिस से फोन आते ही आप तो पूरी दुनिया भूल जाते हैं। अंजलि, तनाव के वक्त आने मत दो प्लीज। देखिए क्या हुआ कि जब मैंने चाचा जी को डरा हुआ देखा तो मैंने फोन कट किया और मैं तुरंत उनके पास गया। और जब चाचा जी ने बताया कि अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है, तो मैं खुद दरवाजे के पास गया। मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की और कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। ओहो, ये तो कल रात जैसी बात हो गई। कल रात को चाचा जी को कुछ दिखाई दिया था, आज रात को चाचा जी को सुनाई दिया। मैंने सुना। हाँ सोड़ी, लेकिन कल रात चाचा जी ने जो देखा वो किसी को नहीं दिखा, पर आज जो सुना वो किसी ने नहीं सुना। चाचा जी देखिए, बुरा मत मानिए, पर मुझे लगता है कि आपको भ्रम ही हुआ है। हाँ चाचा जी, आपको ना आभास हुआ है। चाचा जी, ये आपका डर है जो ये सब आपको दिखा रहा है और सुना रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे मेरा खेलने का मतलब नहीं है, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है, मेरे कान बजने लगे हैं। शांत चाचा जी, शांत। चाचा जी प्लीज, आप शांत हो जाइए प्लीज। देखिए आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है। देखिए चाचा जी, हम सब सिर्फ इतना ही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। शांत हो जाइए प्लीज। बैठे बैठे बैठे, शांति। चाचा जी आप अंदर चलिए, शांति से आराम कीजिए। आइए आइए चाचा, आइए आइए आइए, अब्दुल लेके जाएगा आपको। आइए 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 आइए, आराम से आराम। अब्दुल ध्यान से लेके जाए। मेरे को तो लगता है कि चाचा जी को मेंटल प्रॉब्लम हुआ है, उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए। नहीं बात तो ठीक है, डॉक्टर हाथी भी कॉन्फ्रेंस में गए हुए हैं, वरना कोई अच्छे साइकेट्रिस्ट का पता बता देते। बहरहाल उनसे फोन पे पूछ के कल ही लेके जाते। हाँ पर फिलहाल जरा उन्हें आराम करने देते हैं। हाँ वो नाशिक के वैद्य का भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, वो दूध में मिलाकर उनको पिला देते हैं तो उनको आराम मिलेगा मस्त। अरे अप्रतिम आइडिया माधवी, वो भ्रांति शांतिकारक चूर्ण है ना, आयुर्वेदिक चूर्ण है। अच्छा। हाँ, वो लेने के बाद चाचा जी को मस्त पे की नींद आ जाएगी, पर एक बार चाचा जी सो गए ना तो मानसिक तनाव दूर हो जाए। मैं ना चूर्ण लेकर आती हूँ अभी। ओके। मैं क्या कहती हूँ, चूर्ण देने के बाद भी हमें चाचा जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए इस सिचुएशन में। बरोबर। चाचा जी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। हाँ यारो, अंजलि भाभी ठीक कह रही है, हम लोग आज की रात चाचा जी के साथ ही रुक जाते हैं। नहीं सोड़ी, सबको रुकने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चाचा जी के दिमाग से वो भूत वाली बात हटानी है। क्या है, हम सब यहाँ पे रुके ना तो उनको वाकई में लगेगा कि भूत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके। आगल भी ठीक है पिडू। हाँ, और वैसे भी रात को पोपटा लाने ही वाला है ना। हाँ पोपट भाई जब तक आते हैं तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ, चाचा जी का ख्याल रखूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। अब्दुल एक काम कर, अभी तू चाचा जी के साथ ही रुक। हाँ। मैं अब्दुल। चाचा जी डरिए मत, आप है ना थोड़ा सो जाइए, आपको अच्छा लगेगा। अरे नहीं सोना है मुझे, मेरी नींद तो आनी चाहिए ना, नींद नहीं आएगी मुझे। जल तू जलाल तू आई बला कुटाल तू, जल तू जलाल तू आई बला कुटाल। हाँ मैं चूरण लेकर आई हूँ, फटाफट गरम दूध में मिलाकर लेकर आती हूँ। हाँ लो कर लो कर लो।
चूर्ण असर तो करता है ना सर। हाँ बिल्कुल, लेकर आई हूँ, चाचा जी को लेकर आती हूँ। अरे माधवी, बॉटल का है? चाचा जी बॉटल से दूध पीते हैं। अरे चूर्ण की बॉटल का, वो बाद में ले लेंगे ना, ते महत्व से एक आता। हाँ ठीक, जाइए माधवी भाभी जाइए। मैं भी चलती हूँ। हाँ चलिए चलिए, नासिक से आती है ना, एक ही बॉटल है तो। जलते जलाल तो आई बला को टालते, 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 जलते जलाल तो आई। चाचा जी ये कौन है? चाचा जी मैं माधवी। हाँ वो चाचा जी दूध लाई थी आपके लिए। नहीं दूध नहीं मिला, नहीं मिला। चाचा जी थोड़ा पी लीजिए ना प्लीज। देखिए आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत रिलैक्स फील करोगे आप। प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज लीजिए ना, अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप आराम से सो जाइए, हम लोग सब बाहर ही है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ। रखेंगे हम लोग यहीं पे, बाहर ही हम लोग। हाँ 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 हाँ। आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। हाँ चाचा जी आप अच्छे विचार मन में लाइए। हाँ कुछ नहीं होगा, भगवान है ना साथ में। हाँ कुछ नहीं होगा, आप सो जाइए अभी आराम से। हाँ हम लोग हैं। जल्द जल्द भाई मतलब जल्द जल्द भाई मतलब चाचा जी ने ना मुझे जेठल को फोन नहीं करने दिया, वरना मैं जेठल को कब का फोन करके बुला चुका होता। बस अब जेठा जी जल्दी से वापस आ जाए, एक बार वो आएंगे ना तो चाचा जी का डर भी कम हो जाएगा। चाचा जी दूध पी के सो गए, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए, चाचा जी का मैं ख्याल रखूंगा। अब्दुल ओपू के आने तक चाचा जी के साथ ही रुकना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इमीडिएटली मुझे फोन कर। हाँ चलो फोन कर देना कुछ भी हो तो। चलिए अब्दुल भाई मैं चलती हूँ, अगर कुछ लगे तो फोन कर देना। हाँ जी जी जरूर। हाँ बोलो अब्दुल। मैं दो मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ बोलो। चाचा जी आज फिर डर गए। अब क्या हुआ, मोहनलाल के घर पे फिर से कुछ देख लिया? नहीं नहीं आज उन्होंने देखा नहीं, आज उन्होंने सुना है। क्या? वो कह रहे थे कि बंद फ्लैट के अंदर से पायल की आवाज आ रही थी। लड़की की आवाज? लेकिन लड़की का नाम पायल है, वो कैसे पता चला? नहीं 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 पोपट भाई आप गलत समझ रहे हैं, लड़की की नहीं पैर की पायल की आवाज आ रही थी। ओ, अच्छा अच्छा। एक औरत गाना गा रही थी। क्या बात कर रहे हैं? मेहता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। देखो इसका मतलब है कि चाचा जी को आज फिर से भ्रम हुआ है। पोपट भाई उनको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए तो मैं यहाँ पर हूँ। पोपट भाई क्या है ना, मुझे आज घर जाना बहुत जरूरी है, तो आप कब तक आ जाएंगे? मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। आप आने के बाद मैं चला जाऊंगा, जितना हो सके उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है पोपट भाई। अरे पोपट लाल तुम क्या कर रहे हो? सर वो दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल लिख रहा था, हो गया तैयार, बस आप चेक कर लीजिए। दीवाने दूल्हे को छोड़ो, एक जबरदस्त न्यूज आई है। अच्छा? जब पेपर में इसकी स्टोरी आएगी ना तो हंगामा हो जाएगा। हाँ और ये स्टोरी तुम्हें लिखनी है। अच्छा? क्योंकि ये स्टोरी को तुमसे अच्छा कोई नहीं लिख पाएगा। हाँ थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। बताइए किस विषय पर लिखना है? डरावनी दुल्हन। डरावनी दुल्हन? हाँ डरावनी दुल्हन।
पिछले कुछ टाइम से शहर के अलग अलग हिस्सों से इसकी खबर आ रही है। क्या क्या खबरें आ रही है? एक दुल्हन थी। ये मतलब? मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुना है शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डाल देंगे। लड़की की नहीं, पैर की पायल की आवाज आ रही थी। एक औरत गाना गा रही थी। और सुना है वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उनकी भी शादी ना हो। आप एडिटर हैं कि दुश्मन? जो? आप जानते हैं कि मेरी शादी नहीं हुई है, फिर भी आप मुझे ऐसे डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल लिखने को कह रही है जो कुंवारों पर अटैक करती है। आपको पता है ये आर्टिकल लिखूंगा तो मेरे कुंवारे मन को कितना आघात लगेगा? अरे वही तो मैं चाहता हूँ। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? क्योंकि मैं इस खबर के जरिए लोगों को आघाती देना चाहता हूँ। इसलिए तुम आघात में लिखोगे तो आर्टिकल भी ऐसा बनेगा कि लोगों को आघात लगे। नहीं नहीं सर, मैं ये डरावनी दुल्हन पर आर्टिकल नहीं लिख सकता। देखो पोपटलाल, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ। ये आर्टिकल तुम ही लिखोगे। आज रात से इस केस पर रिसर्च पर लग जाओ, कल मुझे पूरा आर्टिकल तैयार चाहिए। सर आप समझने की कोशिश कीजिए, देखिए मैंने ये दीवाने दूल्हे वाला आर्टिकल रेडी करके रखा है, आप देखिए सर। अरे दीवाने दूल्हे को छोड़ो, तो घर पे जाओ और डरावने दुल्हन वाले आर्टिकल की तैयारी शुरू कर दो। सर सर आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर पर अकेले रहता हूँ, मुझे बहुत डर लगेगा। अरे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार होकर मामूली बात से डरते हो तुम? हाँ अरे ऐसे ही करोगे तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? हाँ ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हुआ ना। वैसे मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, दुनिया में किसी से नहीं डरता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा आर्टिकल। That's the spirit, my boy. That's the spirit. कल शाम तक आर्टिकल तैयार कर देना। All the best, पोपटलाल. All the best. Thank you. पोपटलाल, क्या हुआ? सर वो मैं सोच रहा था कि वो रास्ते में डरावनी दुल्हन मिल गई तो मैं क्या करूंगा? अरे तो बेस्ट है। वहीं के वहीं इंटरव्यू ले लेना। ऑल द बेस्ट पोपटलाल, ऑल द बेस्ट। मजाक सोच रहा है। एक औरत गाना गा रही थी, नेता साहब उनके साथ में थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या चंपक चाचा की बात सही होगी? उन्होंने डरावनी दुल्हन को तो नहीं देखा होगा। आज उन्होंने पायल की छमछम और वो गाना भी सुना। पक्का डरावनी दुल्हन ने मटका किंग मोहनलाल के घर पर डेरा डाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, कल भीड़े सोढ़ी माधवी भाभी रोशन भाभी सबने देखा था, किसी को कुछ नहीं दिखा था। आज मेहता साहब को भी कोई आवाज नहीं आई। नहीं नहीं, ये चाचा जी का भ्रम ही है। लेकिन ऐसा ही भ्रम क्यों? अगर भ्रम ही होता तो चाचा जी को पुरुष कुत्ता बिल्ली कुछ भी दिख सकता था, डरावनी दुल्हन ही क्यों दिखी? ये पक्का डरावनी दुल्हन ही है। नहीं नहीं नहीं, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी जाना कैंसल, जान है तो जान है। बोल अब्दुल, सब ठीक तो है ना? हाँ पोपट भाई, सब ठीक है, चाचा जी सो गए। पोपट भाई सॉरी, हाँ मैं आपको फिर से फोन किया है, क्या है ना अगर मुझे घर जाना नहीं होता ना तो मैं आपको फोन नहीं करता। नहीं नहीं भाई, मैं वो जानता हूँ, बोलना फोन क्यों किया। पोपट भाई आपको यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? बस एक आध घंटे में पहुँच जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार करता हूँ यहीं पे। ठीक है अब्दुल, आता हूँ। ओके 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 पोपट भाई। क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? नहीं नहीं मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता, मैंने चाचा जी को पूरी रात संभालने की जिम्मेदारी ली है और अब्दुल को भी घर जाना है।
गोकुल धाम तो जाना ही पड़ेगा। डर के बैठने से कुछ नहीं होगा। उठो पोपटलाल, हिम्मत रखो, भगवान का नाम लो और निकलो गोकुल धाम के लिए। इतनी डरावनी रात है, रास्ता भी सुनसान है, एक रिक्शा नहीं दिख रही। ऑटो 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 रिक्शा, रुको गोकुल। कहाँ जाएंगे पोपटलाल जी? कहीं नहीं, कहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। जाओ 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 जाओ। भाई जाना नहीं तो रिक्शा क्यों रोकते हो? सॉरी सॉरी सर। आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? रिक्शा 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 क्या है? ए, ए, क्या कर रहे हो? रिक्शा वाली है ना? क्या गोकुल धाम सोसाइटी पाउडर के लिए जाओगे? इधर से कहाँ बैठ रहे हो? चलेगा चलेगा, चलो। डरावनी दुल्हन मृत्यु के बाद वो भूत बनकर भटक रही है। उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है ताकि उसकी भी शादी ना हो। भाई साहब, ये आज रास्ते में इतना अंधेरा क्यों है? बारिश की वजह से रोड की लाइट बंद है साहब, हमेशा का यही तकलीफ है। तुम रोज पूरी रात रिक्शा चलाते? हाँ साहब, पूरी रात। अपना तो सुबह 8 बजे गुड नाइट होता है साहब। तो एक बात बताओ भैया, तुमने वो डरावनी दुल्हन के बारे में सुना? अरे बाप रे साहब, किसका नाम ले दिया आपने? तुमने सुना है डरावनी दुल्हन के बारे में? सुना नहीं साहब, मैंने तो देखा भी है। तुमने डरावनी दुल्हन को देखा है? बिल्कुल देखा है साहब, बहुत डेंजरस है वो साहब। कब देखा? रोज देखता हूँ साहब। हाँ साहब, उससे बचने के लिए तो मैं ऑटो चलाता हूँ साहब। मतलब? अरे मेरी बीवी साहब, उसी से बचने के लिए मैं पूरी रात ऑटो चलाता हूँ। मैं उस दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो डरावनी दुल्हन इंसान नहीं है, भूत है। भूत तो सबको डराती है और कुंवारों पर अटैक करती है। अरे अरे साहब, आधी रात को क्यों डरा रहे हो साहब? क्यों चिल्ला रहे हो? बाजू की रिक्शा में देखो। अरे इधर इधर, बाजू बाजू। हमारे आजू बाजू क्या दूर दूर तक कोई भी ऑटो नहीं है सर। तब भगवान के लिए मुझे डराना बंद करो और आंखें बंद करके बैठो। ठीक है। लुका छुपी खेल रही है। चलिए उतरिए। क्यों? अरे वो देखिए, आपकी सोसाइटी आ गई है सामने।
भाई साहब आप सोसाइटी के अंदर ले लीजिए। नहीं नहीं साहब, मैं अंदर नहीं जाएगा साहब। अरे अरे 10 रुपया ज्यादा ले लेना। अरे साहब 10 रुपये क्या, अगर 50 रुपये भी ज्यादा दोगे तो भी मैं अंदर नहीं जाएगा। अरे भैया समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। साहब मुझे भी डर लग रहा है। साहब मेरे 113 रुपये आए हैं मीटर में, वो मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा साहब। चलो भाई छुट्टा रखो भाई। जी साहब। डरावनी दुल्हन मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। इतनी डरावनी रात है, बारिश भी शुरू हो गई। अबे जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को डाल तू। मोहनलाल के घर की ओर देखूंगा ही नहीं, देखूंगा तो डर लगेगा ना। चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, चल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। एक दुल्हन थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, भूत बनकर भटक रही है। जो घर काफी वक्त से खाली होता है उसमें वो अपना डेरा डालती थी। वो कुंवारे लोगों पर अटैक करती है। चाहे मोहनलाल के घर में कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। मोहनलाल पोपट भाई वहाँ कुछ नहीं है। क्या हुआ है पोपट लाल, वहाँ कुछ नहीं है। क्या हालत कर ली है उन्होंने। चलिए 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 कुछ नहीं होगा।
हुआ पोपट लाल? अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, क्या बचा लीजिए, तुम ठीक हो, तुम मेरे घर में हो, कुछ नहीं हुआ। शांति शांति आ जाओ, आ जाओ, मेरे को बिठा दीजिए, तारक बिठा दीजिए, बैठो बैठो, आराम से बैठो, आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, आपको क्या हुआ, बताओ क्या हुआ, शांति से बोलो क्या हुआ। पहले सबको बुलाइए। इतनी रात को? अरे रात को मारिया खोली, वो पीड़े सोड़ी आई है, सबको बुलाइए पहले। ठीक है बुला दो, अंजलि जरा फोन लेके आओ ना मेरा प्लीज, जल्दी बुलाता हूँ, तुम ये बताओ क्या हुआ, सब कुछ ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है, बोबर डाल क्या देखा तुमने, क्या हुआ है, फोन लीजिए, बुलाइए, बुलाता हूँ, देखो तुम बिल्कुल डरो मत, बिल्कुल मत घबराओ, मैं बुलाता हूँ। बोबर भाई सर पूछ लीजिए, बताइए क्या हुआ। हेलो, हाँ हेलो मेहता साहब, क्या हुआ, सब ठीक तो है? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, वो पोपटलाल की दुनिया हिली हुई है। क्यों हो गया मेहता साहब, पोपोनू? पता नहीं, कुछ बता नहीं पा रहा है, बहुत डरा हुआ है, लगता है चाचा जी ने जो कल रात देखा था ऐसा ही कुछ पोपटलाल ने देख लिया है। ओह माय गॉड, अब ये पोपटलाल ने क्या देख लिया, अब ये तो पता नहीं क्या देख लिया। आप लोग जल्दी से आइए, मिलके पता करते हैं और मिलके पूछते हैं हुआ क्या है। ठीक है मेहता साहब, हम लोग अभी आते हैं आपके घर। पोपटलाल सबको फोन कर दिया है, सब आ रहे हैं। शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। बहुत डरा हुआ है, जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। आप पूछिए तो सही, क्या हुआ? हाँ बोलो क्या हुआ बबीता। हाँ? चलो मैं तो, तब क्या जाना है। रोशन किसका फोन है? अरे सुनिए मेहता साहब का फोन था, कल चाचा जी ने कुछ देख लिया था, आज पोपू ने कुछ देख लिया है, अब तो देखना ही पड़ेगा कि माजरा की है, कितनी है मेरी हॉकी, हॉकी कितनी है। हाँ बोलिए मेहता साहब। चाचा जी शांति से सो रहे हैं ना? हाँ चाचा जी एकदम शांति से सो गए, बस पोपट भाई आ जाए तो मैं भी घर पे जाके शांति से सो जाऊंगा। अब्दुल मैंने तुम्हें यही कहने के लिए फोन किया है कि आज की रात तुम्हें चाचा जी के पास ही रुकना पड़ेगा, आज पोपटलाल वहाँ जेठल के यहाँ नहीं आ पाएगा। लेकिन पोपट भाई से मेरे अभी बात हुई। हाँ बात हुई अब्दुल, लेकिन हुआ यूं। अरे बाप रे। तो ठीक है अब्दुल, तुम चाचा जी का ध्यान रखो, हम यहाँ पोपटलाल को हिम्मत देते हैं। ठीक है? ठीक है मेहता साहब, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, ओके। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है यार, ये पोपू को राई का पहाड़ बनाने की आदत है, वो चाचा जी जैसे उसने भी मोहनलाल के घर पे कुछ देखा, देखो देखो उधर है कुछ, उधर कुछ भी नहीं है, उधर देखो। ये पोपटलाल खामा का डर रहा है, कल चाचा जी को शांत किया था, आज से शांत करना पड़ेगा। चलो चलो चलो, किधर चले, इधर चलो, मैं रहता हूं घर पे। बिजली चमक रही, कुछ नहीं हुआ है, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कुछ नहीं हुआ है, डरो मत डरो मत। अरे दस की है ना, घबरा एक मिनट शांति रखो, सब एक साथ पूछेंगे तो कैसे जवाब देगा वो, एक एक करके पूछते हैं। हाँ पोपो दास, क्यों गया? कुछ नहीं है, अभी हम सब जब आ रहे थे तो हमने मटका किंग मोहनलाल के घर पे ऐसे टॉर्च मार के देखा। अच्छा? हाँ उतने कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है पोपटलाल, मैं खुद गया हूँ चाचा जी के साथ वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मैं अपनी आंखों से देख के, और ताला लगा हुआ है उसके घर पे। तो पोपू ओ कल हम लोग गए थे ना मोहनलाल के घर के बाहर, कुछ था, कुछ भी नहीं था, और तेरे को भी चाचा जी के जैसे भ्रम हो गया। नहीं, हम गलत थे, हम सब गलत थे, चाचा जी को कोई भ्रम नहीं हुआ था, मुझे पता है चाचा जी ने वहां क्या देखा था, मैंने भी उसे देखा है आज। क्या देखा तुमने? दुल्हन, दुल्हन। दुल्हन।
भाई तुम्हें उठते बैठते सोते जगते दुल्हन दिखाई देती थी वहां तक समझ में आता है, लेकिन तुम्हें मटका की मोहल्ला के खाली फ्लैट पे भी दुल्हन दिखाई दी? यार तो टू मच हो गया। ओहो, तेरी दुल्हन तेरा घर छोड़ के मटका किंग के खाली घर में क्यों घूमेगी भाई? ये मजाक की बात नहीं है, मेरी दुल्हन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पर भाई आप किसकी दुल्हन की बात कर रहे हो? डरावनी दुल्हन। डरावनी? वो कौन है? आत्मा, एक खौफनाक आत्मा, एक दुल्हन की आत्मा जो बंद फ्लैट्स में अपना डेरा डाल लेती है और कुंवारों पर चपटती है। उनकी शादी नहीं होने देती। पोपटलाल जी आप ये बताइए सारी जानकारी कहां से मिली? अरे मुझे आज ही मेरे एडिटर साहब ने बताया, शहर में डरावनी दुल्हन की आत्मा भटक रही है। उन्होंने मुझे उस पर आर्टिकल लिखने को भी कहा। पप्पू भी अब पप्पू कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर तेरी इस कहानी से हम लोगों का पोपट नहीं होने वाला। अरे भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी मैंने सच में अपनी आंखों से उस डरावनी दुल्हन को देखा है, अब भी देखा है। दूधिया रोशनी में उसका खतरनाक चेहरा, घने लाल रंग का उसका शादी का जोड़ा, कड़कती लपकती बिजली में उसके चमकते गहने, उसका खौफनाक साया, और उस साये में अचानक दो चेहरे और चार हाथ हो गए। अरे दो सर चार हाथ। चार हाथ? अजरम ये मैं रहा था। हमारा वाटर तीन तीन कैसे डाले? मैं आप लोगों को बता नहीं सकता ताकि वो मंजर कितना डरावना था। ऊपर भाई शांत तो जाइए, आगे कुछ मत बताइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज। मुझे पन बहुत डर लग रहा है, मुझे लगता है चौकस मोहनलाल भाई के घर में कुछ न कुछ तो है। और सुनिए, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पप्पू कल चाचा जी के साथ रुका था, तो मुझे लगता है चाचा जी की बातों का असर इसके दिमाग में भी हो गया, इसलिए इसको ये भ्रम हो रहा है। नहीं सुनिए, मुझे क्या लगता है कि एक आदमी को भ्रम हो समझ में आ सकता है, लेकिन दो दो आदमियों को सेम भ्रम? हाँ मतलब नहीं, ये सोचने वाली बात तो है कि सचमुच कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ। हमें चाचा जी की बात को सीरियसली लेना चाहिए था। यारो मैंनु लगता है एक ही रास्ता की क्या? क्या? क्या हम सब मटका किंग मोहनलाल के घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या है। नहीं, 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 मैं नहीं जा सकता मोहनलाल के घर, अरे घर तो दूर, मैं उसके घर के आसपास भी नहीं जाऊंगा। नहीं, 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 नहीं। हाँ मतलब वो उस घर के अंदर जाना क्या सही होगा? अभी बिल्कुल ठीक नहीं होगा, हमें पता नहीं उस घर में क्या है। हाँ मुझे तो अंदर जाने के बाद से ही डर लगने लगा है। आप सबको डर लग रहा है इसीलिए तो अंदर जाना है, और जब तक आप घर के अंदर नहीं जाओगे तब तक आप सबके अंदर का डर बाहर कैसे निकलेगा? और यारो मैं आप सबको वहां पे ले जाके ये दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे कुछ नहीं है, ये बस पप्पू और चाचा जी का भ्रम है। सॉरी भाई, सिर्फ भ्रम हो तो अच्छा है। अंजलि भाभी आप भूल गए, वो पिछली बार भी हमारी सोसाइटी में एक भूतनी आई थी, याद है? Malo!
कुछ नहीं होता। याद है भाई, याद है, याद है, याद है ना, उस औरत को भूतनी मानकर सब लोग डर गए थे, पर वो इंसान की रची हुई साजिश थी, भूत भूत कुछ नहीं था। नहीं 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 भाई छोड़िए, उस बार की बात अलग है, वो भूतनी हम सबको दिखती थी ना, लेकिन ये डरावनी दुल्हन है, ये सबको नहीं दिखती है भाई, सबको नहीं दिखती है। ओ पप्पू, लेकिन इस बार तो पता है ना, जो भी है वो इस घर में है। अरे इस घर में नहीं छोड़ी, उस घर में, मोहनलाल के घर में। हाँ हाँ, और पप्पू इस बार तो पता है ना, जो भी है वो उस घर में है। ओए मैं तो कहता हूँ ये ड्रामी उड़ामी दुल्हन कुछ नहीं होता, और अगर कुछ भी है ना तो उन्नू तो मैं देख लूंगा। ओ आप लोग डरो मत, रोशन सिंह थोड़ी है आपके साथ, चलो मोहनलाल का कार खोल के देख लेते हैं। आओ जी। मेरे को लगता है थोड़ी का बात सही है, हमको मोहनलाल के फ्लैट में जाकर देख लेना चाहिए। लेकिन अभी जाने की क्या जरूरत है बाबा? हाँ कल दिन में चले जाते हैं ना देखने के लिए कि क्या है। इस वक्त जाने में तो मुझे भी डर लग रहा है। ए, आप लोग डर क्यों रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। चलो चलो मोहनलाल के घर चलते हैं। आओ मैं तो। अरे क्या चलते हैं सोड़ी, कैसे जा सकते हैं, वो फ्लैट की चाबी कहाँ है हमारे पास अभी। ओए मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देंगे, और रोशन सिंह सोड़ी के सामने अच्छे अच्छे तालों ने दम तोड़ दिया, तो ये मोहनलाल के घर का ताला क्या चीज है। सोड़ी मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बंद फ्लैट का ताला तोड़ना सोसाइटी के नियमों के विरुद्ध है। फिर आज ये नियम और मोहनलाल के घर का ताला दोनों टूटेंगे। बाद में टूटेगा, लेकिन पहले कहीं मेरा नाक नहीं टूट जाए भाई, आराम से। थोड़ी एक मिनट मिनट, कुछ अलग सोचते हैं ना। ओए सोचना क्या है, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की सुरक्षा का सवाल है, अभी ताला तोड़ देता हूँ और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होगा। चलो थोड़ी भाई, हमें पता है कि पोपट पहुँची और चाचा जी ने वहाँ क्या देखा, फिर ऐसे सब जानने के बाद भी वहाँ जाना ठीक होगा नहीं होगा। हाँ सोनी भाई प्लीज एक बार फिर से सोच लीजिए, जाना है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और मैंने कल ही चेक किया यार, ये नए ताले की कीमत 843 रुपए है, अगर हम लोग ताला तोड़ेंगे तो सोसाइटी को 843 रुपए का नुकसान हो जाएगा। बेड़ा हाँ? दिमाग ठिकाने के ट्यूशन देने गया है, यहाँ मेरी जान जा रही है और तुझे ताले के 843 रुपए की पड़ी है। बात पैसे की नहीं है पोपटलाल, बात सोसाइटी के नियमों की है। अरे भाड़ में गए तेरे नियम, भाड़ में जाए नियम। अरे कमिटी मेंबर होकर ऐसा बोल रहे हो, भाड़ में जाए नियम। भाई मैं कमिटी मेंबर बात में हूँ, पहले इंसान हूँ। अरे वो जो भी हो, लेकिन मैं सोसाइटी के नियमों के खिलाफ एक छपी नहीं सुन सकता। अरे एक मिनट एक मिनट भाई, अरे अरे अभी वो डर, समझो ना यार उसकी मनस्थिति, और एक दूसरे पे चिल्लाने से क्या होगा, शांति रखो ना यार, शांति रखो। और भिड़े देखो पोपटलाल की बात सही, इस वक्त नियम के बारे में मत सोचो, क्योंकि देखो दिमाग में वहम है, तो ये वहम दूर करने के लिए एक बार ताला तोड़ के तसल्ली कर लेना सही है। ठीक है मैं ताला तोड़ने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? एक सर्कुलर पे सभी को साइन करना पड़ेगा। कैसा सर्कुलर? एक ऐसा सर्कुलर जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मोहल्ला के घर का ताला सोसाइटी के सभी मेंबर्स की सहमति से तोड़ा जाएगा, उसमें सभी साइन करो, मैं परमिशन दे दूंगा। नेता साहब। अरे क्या यार भिड़े तुम भी। नेता साहब आत्माराम इज राइट, देखो आत्माराम हम सब फॉर्मेलिटी पूरा करेगा, लेकिन अभी वो फॉर्मेलिटी पूरा करने का टाइम नहीं है। अभी ये फॉर्मेलिटी करने का टाइम नहीं है भिड़े, और अगर तुम्हें सर्कुलर पे साइन करवानी है तो कोई बात नहीं, आज हम ताला तोड़ देते, कल हम सर्कुलर पे साइन कर देंगे। साइन कर देंगे। ठीक है तो फिर तोड़ो ताला। ठीक है यारो, सब एक साथ चलते हैं, मैं मटका किंग मोहनलाल के घर का ताला तोड़ देता हूँ, हम उसके घर के अंदर जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो सब तैयार? चल पप्पू तू भी नाल चल मेरे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगा मोहनलाल के घर पे। और चल यार, तो वहाँ जाके तेरा डर दूर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया ना भाई मैं नहीं जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों पोपट भाई, देखिए डर तो हम सबको लग रहा है ना। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता। पोपटलाल, अरे भाई मैंने बताया ना, वहाँ पर डरावनी दुल्हन है जो कुंवारों पर झपटती है।
आप लोग जा सकते हैं, आप सब शादीशुदा हैं, लेकिन मैं कुंवारा हूँ। अरे पोपटलाल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुमसे शादी कर लेगी और तुम भी तो यही चाहते हो ना। मैं इंसान से शादी करना चाहता हूँ, आत्मा से नहीं। पापो और डोंट फियर, रोशन सिंह सोडी इज हियर। और डर मत, चल मेरे साथ आगे। नहीं नहीं भाई, मैं अंदर जाऊंगा तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरी दुनिया हिला देगी और मेरा भी शादी करने का सपना जिंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, जब तक वो डरावनी दुल्हन उस घर में है, मैं मोहनलाल के घर में नहीं जाऊंगा। अरे पप्पू, अगर उस फ्लैट में कोई भी डरावनी दुल्हन हुई ना, तो आज उसकी खैर नहीं है। और उसको भी पता चले कि गोकुल धाम वालों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। रोशन, तू खेलो टाइगर चेस, बात को समझने की कोशिश तो कर। अरे वो इंसान नहीं, आत्मा है, आत्मा। तू हॉकी से उसका मुकाबला कैसे करेगा बाबा? तू हॉकी एम 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 फिराउशे, तू हॉकी हवा में ही घूमती रहेगी। पर वो घुटनी, उसका तो कुछ नहीं होगा, वो इधर से उधर, उधर से इधर कुटका मारती रहेगी। किधर वो घुटनी गुस्से में आ गई और तेरे अंदर आ गई तो घुस गई तो मैं अनु छटंगा नहीं। तू उसे क्या नहीं छटंगा, वो तुझे नहीं छटंगी। अरे और तू उसको मारेगा कैसे? हाँ ऐसे 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 ऐसे, अरे उसको मारेगा तो तुझे खुद को ही लगेगी बाबा। रोशन, तू हॉकी से क्या, किसी चीज से भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओए सोनिए, और मुकाबला करने के लिए हथियार नहीं, जिगरा चाहिए, जो रोशन सिंह सोडी के पास गुरु जी की कृपा से भर भर के है। और मेरे होते हुए कोई भी इंसान, भूत प्रेत और हमारे गोकुल धाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोले सो निहाल। आजो आजो आजो, चलो भाई चलो। चाचा चाचा, अरे मेरा मेरा चाचा भिड़े पीछे पीछे दे। अरे तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ। अरे एक मिनट एक मिनट, अभी जाना जरूरी है थोड़ी। और बिल्कुल जरूरी है, आ जाओ जी आ जाओ, सारे आ जाओ। माल कर रहे यार तू भी, बहादुर बनना, आ जाओ पापो पड़ेगा ना। पहुंच गए एक बार, एक पहुंच गए। चलो चलो चलो, अरे पप्पू अरे बेड़े, तुम इतना क्यों डर रहे हो भाई? तुम सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, इधर आते जाते हो, काम से इधर नहीं आएगा पहले? नहीं आया, वो ऐसी बातें में डर नहीं रहा हूँ मैं तो साहब। थोड़े से घबरा गए ये। अरे तस नहीं है, वो क्या है, चाचा जी ने वहाँ पे कुछ देख लिया, अभी पोपटलाल ने भी वहाँ पे कुछ देख लिया, इसलिए वो नेचुरली डर आ रहा है, ऐसे डर नहीं रहा हूँ मैं। डोंट वरी, ऊपर चल कर देखते हैं क्या है। चलो चलो कुछ नहीं, चलो चलो। अरे शायद क्या भाई, मैं जब शाम को आया था तब भी लाइट ऐसे ही थी। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। नहीं नहीं भाई, बल्ब को कुछ नहीं हुआ, ये उस दुल्हन का प्रभाव है। अरे पप्पू, लाइट ऑन ऑफ स्विच से होती है, किसी दुल्हन वुलन से नहीं होती है। चल 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 चल। ऐसे भी डर है कि कोई बात नहीं है भाई, बरसात का मौसम है, कनेक्शन लूज हो जाता है, इस वजह से ऐसा कर रहा होगा। नहीं 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 सॉरी भाई, मेरी बात मान, हम लोग वापस चलते हैं। चलो वापस, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। आ जाओ ना,
पप्पू, और दुल्हन के पीछे भागने वाला आज खुद दुल्हन से डर रहा है। रोशन मन तो बहुत भीख लग रही है, चल हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। चलो रोशन डार्लिंग, डर क्यों रही है? ओ बत्ती चली गई होगी, चल चलाओ। चलो ना ना मत डर, चल चल चल, तू आई मत को डांस करो तक पप्पू। शाबाश, मैं हूं तेरे साथ, डर नहीं, डर नहीं, डर नहीं। शाबाश, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ है, कुछ है, एक मिनट, एक मिनट। हां हां मैं हूं। अरे ये देख के डर रहा। अरे पोपटलाल, ये धतूरे का पौधा है और लौंग और कपूर का धूप। चाचा जी डर रहे थे तो चाचा जी ने कहा इनको घर के बाहर रख देते हैं तो बुरी शक्तियां भाग जाएंगी, तो मैं खुद आया था चाचा जी के साथ रखने के लिए। मैं रख के गया हूँ ये, डर मत, मैंने रखा है। कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं यार, मैं रख के गया हूँ, बोला ना यार, कुछ भी नहीं है। चलो कुछ क्या है? ताला है? दरवाजे पे क्या लिखा है? मिस्टर मोहनलाल, दरवाजे के ऊपर क्या लिखा है? मुझे पढ़ना आता है। ये किसने लिखा है? ये जिसने भी लिखा है सोसाइटी के परमिशन के बगैर लिखा है। अरे वो डरावनी दुल्हन लिखने के लिए तेरी परमिशन लगी। बराबर बराबर, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। मतलब वो यही कहीं है? वो दुल्हन की क्या हाइट होगी, देखो कितनी ऊंचाई पर लिखा है। ऊंचे वो कहीं पे भी जाके लिख सकते हैं, उनको क्या हाइट वाइट। सॉरी सॉरी, कल हम जब यहाँ पे आए थे तब ये लिखा हुआ नहीं था ना यहाँ पे? नहीं, अरे कल क्या, मैं तो आज आया था ना भाई कुछ समय पहले, तब भी कुछ नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। अरे इसका मतलब है ये डरावनी दुल्हन नहीं लिखा है। आयर, आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। बेटा मी टू। मैं क्या कहती हूँ, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे हम लोग गोकुल धाम वाले हैं, और किसी ने यहाँ पे लिख दिया चले जाओ यहाँ से, तो हम लोग डर जाएंगे क्या? अरे डर जाएंगे क्या, डर ही गए हैं। मैंने सुना कि ये किसी इंसान की लिखावट नहीं है। है ना आपने भूत की लिखावट कब देखी? लग रहा है भूत की है। ओए डरो मत, एक बार इसको सामने आने दो, फिर देखते हैं कौन किसको डराता है। अरे थोड़ी 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 मान जा मेरे भाई, वो लिख लिख के कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, फिर मैं तो मान नहीं रहा भाई, वहां जाने में खतरा है। बस करो यार, वो कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं डरेगा। हाँ मैंने बोल दिया ना, अब कोई भी नहीं डरेगा। और मैं अब इस दरवाजे का ताला भी तोड़ूंगा और अंदर भी जाऊंगा। आप में से अगर किसी को भी मुझ पे विश्वास नहीं है और वो अभी के अभी अपने घर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बेटा छाता दे, छाता दे भाई, छाता दे, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, और ये तेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है। तेरा तो डर आज मैं निकाल के ही रहूंगा। थोड़ी फिर एक काम करते हैं, आप महिला मंडल जो है वो घर जाइए। आइए भाई, इन्हें छोड़ दो घर तक, हम तेरे साथ चलते हैं। छोड़ी, हाँ मैं भी आता हूँ यार तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ ही रहेंगे यहाँ। रोशन, मैं तुझे छोड़ के किधर भी नहीं जाऊंगी, हम लोग भी यहीं पे रहेंगे। आपको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाने वाली, समझे? ठीक है छोड़ी, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम सब तेरे साथ चलेंगे। हाँ छोड़ी, हम तेरे साथ हैं। ये है हमारी गोकुलधाम की एकता। ओ यारो, तैयार हो जाओ अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब मैं ये ताला तोड़ने वाला हूँ।
चल तू चला तू आई भला को टाल तू चल तू चल तू आई भला को टाल तू चल तू चला तू आई भला को टाल तू चल तू चला तू आई भला को टाल तू चला तू आई भला को टाल तू आराम से क्या यार, ताला तोड़ रहे हो, आराम से किसे तोड़ेगा? मिनू फाकी दे। हाँ हाँ भाई समझ भाई, ताला टूट नहीं रहा है, मतलब अंदर कोई शक्ति है जो ताले को टूटने नहीं दे रही है। वो अंदर जो भी शक्ति है जो मुझे ये ताला तोड़ने नहीं देना चाहती, उसको ये नहीं मालूम कि गुरु की कृपा से बाहर उससे भी बड़ी शक्ति है जो ये ताला तोड़ के रहेगी। बोले गुरु की कृपा से ताला टूट गया, पप्पू टूट गया। हेलो, ताला खुला है। हेलो हेलो। ओए डरावनी दुल्हन तैयार हो जा, अब तेरी है नहीं। चलो जी चलो। सॉरी मेरे भाई, अंदर जाने से पहले एक बार और सोच ले, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुझे। पक्का आखिरी बार बोल रहा है? हाँ हाँ आखिरी बार, मैं मत जा अंदर मत जा। अब तो मैं अंदर जाके ही रहूंगा। जो भी सोचना था सोच चुके, अब तो फैसले की घड़ी आ गई है, अब तो जो अंदर है उसकी शामत आने वाली है। चलो जी चलो। अंजलि भाभी। नहीं 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 सोनी भाई, मैं पहले नहीं। अंजलि भाभी टॉर्च प्लीज। टॉर्च थैंक यू। चलो चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ जी आ जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। आइए आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गोकुल नाम की एकता जिंदाबाद। आओ। ओहो बिजली तो गई हुई है यार। आ जाओ यारो आ जाओ। ठीक सुनिए, कुछ नहीं है इधर। आ जाओ पप्पू आ जाओ, कुछ भी नहीं है। देखो क्यों आ जा, झूमर 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 ले। चलता है हमें दिन में आना चाहिए था, ये थोड़ी मान नहीं रहा था ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, चले अब। हाँ चलो चलो वापस चलते, चलो भाई चलो। रुको यार, हम गोकुलधाम वाले ऐसे डर के कैसे चले जाएंगे? एक मिनट एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं से तो आवाज आ रही है। ओहो ये तो वो अलमारी में से आवाज आ रहा है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई नाखून से लकड़ी खुरेद रहा हो। ए, अंदर कौन है? देखो ना वो अलमारी का दरवाजा भी हिल रहा है। नक्की अंदर कोई है? कौन है अंदर? मैं पूछ रहा हूँ कौन है अंदर, बाहर निकलो। ओए जो भी है अंदर, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ,
बाहर आ जाओ नहीं तो मैं तेरा छटूंगा नहीं। थोड़ी छटना यार। नहीं छटूंगा मैं। ओए मैंने लगता है अलमारी खोल के देखना ही पड़ेगा। नहीं 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 सॉरी नहीं 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 भाई वो डरावनी दुल्हनी है अंदर वही छुपी है और अपने नाखून से आवाज कर रही है। पप्पू जो डरते हैं ना वही छुपते हैं। तेरी ये डरावनी दुल्हन अंदर छुप रही है का मतलब वो हम सबसे डर गई है। देखना उनमें नुच्छ डांगा नहीं। सोनिया सोनिया डर नहीं डब जी है ना खुदाई जी हैं। सोनी आराम से सोनी रहने दे भाई रहने दे भाई बाबा रवा दे यार से आराम से वो नाकू मारेगी। यारो कुछ नहीं होगा मैं जानते दो प्लीज। देखा खोदा पहाड़ और निकली बिल्ली। अरे बिल्ली अरे इधर भी ये बिल्ली है। बिल्ली सच में पीछे पड़ गई है। ये इतना गुर्रा क्यों रही है? मैंने सुना है कि ये बिल्लियों को भूत पिशाच भटकती आत्माएं सब दिखता है। हाँ और ये तो काली बिल्ली है। काली बिल्लियों को तो दिखता ही दिखता है। मतलब पक्का यहाँ कुछ है तो देखकर वो गुर्रा रही है। यारो वो हम लोगों को देख के डर गई होगी इसलिए गुर्रा रही है। मैं भगाता हूँ इसे। चल चल बिल्ली आजा आजा बिल्ली म्याऊं म्याऊं। यारो क्या आप लोग छोटी छोटी बातों में डर रहे हो? अरे अंदर की कोई खिड़की विड़की खुली रह गई होगी जिससे बिल्ली फ्लैट में आई होगी और यहाँ अलमारी में छुप गई होगी। यारो ऐसी छोटी छोटी बातों से मत डरो। वो झूमर हिला तो डर गए बिल्ली दिखी तो डर गए। हम गोकुल नाम वाले हैं डरते नहीं किसी से। अरे अब भाई चलो ये मान लेते हैं कि खिड़की खुली थी तो बिल्ली अंदर आ गई लेकिन फिर अलमारी के अंदर कैसे गई? चलो ये भी मान लेते हैं कि वो अलमारी का दरवाजा खुला था तो वो अंदर चली गई लेकिन फिर क्या उसने अपने हाथों से अलमारी का दरवाजा बंद किया? बंद कैसे किया अलमारी का दरवाजा? और ये जो वो बाहर लिखा है वो लाल अक्षरों में चले जाओ यहाँ से वो भी वहाँ बिल्ली ने लिखा है। सोडी भाई बात को समझने की कोशिश कर। ये सब वो डरावनी दुल्हन कर रही है। यार वो मैनू नहीं पता पर एक बात पक्की है वो जो भी है और जिसने भी बाहर लिखा है वो रोशन सिंह सोढ़ी को गुरु साहब की कृपा से डरा नहीं सकता। चलो यारो अभी अंदर चल के देखते हैं। आओ रोशन सू चिट करे छे छोड़नी आई डिलीवरी टारी। हाँ सोढ़ी भाई पता नहीं अंदर क्या क्या होगा रहने दीजिए ना प्लीज। देखिए सोढ़ी भाई मेरे हिसाब से अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है चलिए। बिल्कुल बिल्कुल चला 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 चला। वो पेड़ों रोक गई यार। वो हम गोकुल धाम वाले हैं वो ऐसे कैसे डर जाएंगे यार। रोशन अबे बहुत ठग गया हम बहुत ठग गया अबे चल अबे। अरे यार छोड़ी सब लोग कह रहे हैं तो मान लेना भाई सब लोग ठीक कह रहे हैं। चलो चले चलते आएंगे सोढ़ी आएंगे लेकिन कल दिन में आएंगे। चलो चलो एक मिनट और दिन में आकर नहीं देखेंगे अभी आए हैं तो अभी के अभी देख के जाएंगे। और किसी ने ऐसे दरवाजे पे लिख दिया तो हम डर के ऐसे चले जाएंगे? तो यारो ऐसे डरने की जरूरत नहीं है हम सब साथ में है ना। अब अंदर आ गए हैं तो चेक करके ही जाते हैं। चलो आ जाओ बेडरूम में देखते हैं और डरने की जरूरत नहीं है मैं हूं ना। आ जाओ यारो आ जाओ चलो 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 और पापू उधर नहीं इधर बेडरूम में चलो।